विधानसभा चोणां नूं लैके कांग्रेस दे अंदर हालचाल तेज हो चुकी है। दिल्ली दे विच कल नूं कांग्रेस सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक दे विच उम्मीदवारां दी लिस्ट ते मंथन होगा। दस दिए कि 2022 दीआं चोणां नूं लैके कांग्रेस दे वल्लों तैयारियां जिहड़ियां ने खिच्ची गईआं ने, उम्मीदवारां दी लिस्ट जिहड़ी है वह भी कांग्रेस जारी करेगी। पर उस तो पहला भलके कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग है जिस विच उम्मीदवारां दी लिस्ट ते मंथन होगा। साढ़े नाल गुरप्रीत मलोह साढ़े नाल जुड़ गए जी। गुरप्रीत, विधानसभा चोणां नूं लैके कांग्रेस ने तैयारी खिंची हुई है, दिल्ली दे विच भलके कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, की कुछ अपडेट है? देखो, खास तौर से जो जिथे सारिया पार्टिया ने जो अपने उम्मीदवार ने लान दिते ने, उत्थे ही कांग्रेस ने भी तकरीबन जो उम्मीदवार ने वो तय कर लेने। इसनों लैके जो है कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है वह भलके होनी है। इस जो है पहली लिस्ट वो जारी की जा सकती है, क्योंकि जो साढ़े को खबर आ रही है वो 80 तो जो 85 उम्मीदवार ने उन्होंने जो नाम तकरीबन तय। तो हालांकि इस ज्यादातर जेकर एक होर गल की खास गल की गल की जाए तो एम पी नूं प्रायोरिटी दी गई है, कुछ एम पी नूं भी टिकट दी जा सकती है विधानसभा की। जो जेतू चेहरे होणगे उन्होंने भी पहल के तौर पर टिकट की जो है वो दी जाएगी। तो इसे तौर पर जो भलके मीटिंग होनी है वो काफ़ी अहम दिखा इस गल करके कि जिथे चोणों का बिगुल बच चुके उत्थे ही हुण सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रह रही है जिन्होंने अपने उम्मीदवार हाले ऐलानने ने। तो खास तौर पर देखने वाली गल रहेगी कि आखिर जो पहली लिस्ट है उन्होंने कि नाम से पहला मोहर लगती है तो कि नामों से बाद मोहर। गुरप्रीत, जिस तरह दस्सिया कि चोणों का बिगुल वज चुका है तो अकाली दल अते आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार जिहड़े ने लगभग ऐलान दिते ने, अजिहे विच कांग्रेस दे वल्लों अजे तक पहली सूची जारी नहीं की गई, तो की लगता है कि इसका उन्होंने खमियाजा भुगतना पै सकता, क्योंकि अजे तक एक भी उम्मीदवार का नाम जिहड़ा है वह कांग्रेस वल्लों नहीं ऐलानिया गया? देखो, जेकर खास तौर पर गल की जाए तो नैशनल पार्टी है तो हरेक बार जो इसकी प्रक्रिया रहती है वह काफ़ी लास्ट के ही वो जो मैंने उम्मीदवार ने वो मैदान च उतारते हैं। लेकिन इस बार की जो इलैक्शन है काफ़ी पहले इलैक्शन नालों खास इस गल करके, क्योंकि जो काफ़ी दल बदलों का दौरा लगातार जा रही है जिन्होंने लग रहा है कि साड़ी टिकट कट्टी जा सकती है वो दूसरी पार्टी से शमूलियत करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी गल बिल्कुल सही है कि इसका खमियाजा जरूर भुगतना पै सकता है इस बार, क्योंकि टिकट का हरेक कोई चाहवान है। हालांकि नाल ही गलबात की गई है कि एक परिवार विचों सिर्फ एक व्यक्ति ही टिकट दी जाएगी। तो देखना यह होएगा कि आखिर जे पुराने टकसाली कांग्रेसी ने जे अपने अपने एक परिवार से दो टिकटों की मांग कर रहे हैं उन्होंने हूँ दो टिकटा मिलती हैं या फिर एक टिकट दी जाती है। खास तौर पर अहम गलबात रहेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी गल साफ की है कि यूथ को प्रायोरिटी से रखा जाएगा, पहल के आधार से यूथ को टिकट दी जाएगी ता जो विधानसभा चोणां 2022 फतह की जा सके। गुरप्रीत, जो कल कांग्रेस की मीटिंग होनी है कि इस मुख्यमंत्री चेहरे के नाम से मोहर लग सकती है? देखो, मुख्यमंत्री दे चेहरे की गलबात की जाए तो लगातार हले क्यास रही ही नहीं, लेकिन जो साढ़े को जानकारी है उस सिर्फ से सिर्फ उम्मीदवारों के नाम ही ऐलाने जाने ने, उस पीएम चेहरा नहीं ऐलाने जाने, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐन मौके से आके कोई बवाल हो, क्योंकि जिदा पहला ही जिक्र हो रहा है कि जो कांग्रेस के लाड़े बहुत सारे ने, लेकिन यह नहीं पता कि किसने जो असर करनी ने विधानसभा चोणों 2022। सो देखने वाली गल यह रहेगी कि उम्मीदवार कि होंगे ने, हाले जो है सीएम चेहरे लैके कोई चर्चा नहीं है कल नू लैके। गुरप्रीत जी, बाबा चूह जानकारी साझा करने के लिए।